इस समय पाठशाला में एक बहुत उपयोगी चर्चा चल रही है। पिछले 2-3 एपिसोड से अनुष्ठान के अंतर्गत हम आपको ये बता रहे हैं कि मिथ्यात्व क्या है, किन कारणों से मिथ्यात्व होता है। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि अन्य देवी देवताओं की पूजा हम किस डर से, किस कारण करते हैं, कौन कौन सी ऐसी गली गलत प्रथाएं हमारे अंदर प्रविष्ट हैं पुरानी, जो हमें मिथ्यात्व का बंद कराने वाली, मिथ्यात्व की ओर ले जाने वाली है। आइए आज ऐसी ही कुछ चर्चाओं को आज हम फिर और आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से सुने, आज की चर्चाएं बड़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं। इसी विषय में प्रारंभ करते हुए मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि जो हमारे जैन मत के अनुसरण करने वाले देवी देवता हैं, उनको पूजने में क्या परेशानी है? बड़ी हंसी आती है। हंसी इसलिए आती है कि जैन मत के देवी देवता जिनको हम मानते हैं वो भवनत्रिक हैं, और भवनत्रिक को आचार्यों ने कहीं नीच देव लिखा है, कहीं कुदेव लिखा है। हम उनके पूजने की तो बात करते हैं। मैं कहता हूं, कभी हमने ये नहीं सोचा कि अगर देवों की पूजा करनी है तो सर्वार्थ सिद्धि के देवों को क्यों नहीं पूजे? वो तो टॉप मोस्ट है, अगले भाव में उनको मोक्ष जाना ही जाना है। हम लोकांतिक देवों को क्यों नहीं पूजे, जो देवों में भी देवर्षि माने जाते हैं? अरे अगर देवों में पूजना है तो फिर हम ये क्यों नहीं पूछते कि जो स्वधर्मेंद्र अगले भाव में मोक्ष जाने वाला है, वो भगवान की इतनी भक्ति करता है, भक्तों में एक नंबर स्वधर्मेंद्र, उसकी पूजा की तो हम बात करते नहीं। और जो निम्न जाति के भवनत्रिक देव हैं, जो पैदाइशी मिथ्या दृष्टि हैं, हम उनकी चर्चा करने बैठ जाते, बड़ी हंसी आती है। इनकी पूजा, इनकी आरती आज जैनियों में मेरे ख्याल से 50-60-70% लोग करते हैं। अन्य देवी देवताओं की जो भवनत्रिक व्यंतर हैं, भवनवासी हैं, उनकी पूजा तो करते हैं, और इन जो बड़े बड़े देवता है इनकी पूजा के नहीं सोचते। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत धारणा है। सीधी बात क्या है, हम उसी सिद्धांत पे आ जाएं, हम किसको पूजेंगे जो रागी द्वेषी ना हो, सर्वज्ञ हो, मोक्ष मार्ग का उपदेश देता हो, हमें उसकी पूजा करनी है, अन्य की पूजा करनी ही नहीं। इसलिए कोई जैन मत का अनुसरण करने वाला देव हो या अन्य देव हो, हम किसी देव की पूजा नहीं करें, नहीं करेंगे, हम तो वीतराग देव की पूजा करेंगे। अच्छा ये बताएं कि जैन धर्म में भी नवरात्रि का कोई महत्व है? सच बात तो ये है, नवरात्रि का वर्णन किसी भी जैन शास्त्र में एक भी स्थान पर नहीं है। नवरात्रि पर्व ये हिंदुओं का पर्व है, वो उसे मनाते हैं, वो उनके धर्म अपने धर्म का अनुसरण करते हैं, लेकिन जैन धर्म के किसी भी शास्त्र में नवरात्रि का एक स्थान पर भी वर्णन नहीं मिलता। इसलिए नवरात्रि का दूर दूर तक जैन मत से कोई संबंध नहीं। हमारे यहाँ नवरात्रि के दिनों को विशेष दिन नहीं माना जाता, ये हमारे लिए पर्व के दिन नहीं है, इसलिए नवरात्रि की जैन धर्म में कोई विशेषता नहीं। नवरात्रि के दिनों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं अलग अलग स्थानों पर, बहुत धूमधाम रहती है रात रात में, तो ऐसे में क्या ये अनुष्ठान होने चाहिए या नहीं? जब नवरात्रि कोई पर्व नहीं है तो नवरात्रि के दिनों को हम विशेषता क्यों दें? आपको धूमधाम करनी है ना, दशरक्षण पर्व में करें, 3 बार आते हैं, अष्टानिका में करें, 3 बार आते हैं, अष्टमी चतुर्दशी को माने, पर्व के दिन होते हैं। जब नवरात्रि का जैन शास्त्रों में विधान नहीं, तो इन जैन शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में कोई विधान करना युक्तिसंगत कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या जैन धर्म के अंदर अन्य धर्मों को लाया जा रहा है या हो क्या रहा है? जब जैन शास्त्रों में इनका वर्णन नहीं, फिर इसके अनुसार हम अपना पर इनको पर्व मान के विशेष अनुष्ठान मंदिरों में क्यों करें? हम वो अन्य मत वाले अपने अनुसार करते हैं,
हम अपने अनुसार कर क्या होते। पर इधर कई दिनों से ये देखने में आया है कि नवरात्रि के दिनों में बड़े बड़े आचार्य और मुनि महाराज अलग अलग आयोजन कराते हैं, तो वो उनको सही माने या आप जो चर्चा कर रहे हैं उसे सही माने? मैं चर्चा नहीं कर रहा, मैं तो आपसे कह रहा हूँ शास्त्रों के अनुसार चलो ना। नवरात्रि का किसी जैन शास्त्र में एक सबूत तो दो, और जो कराने वाले कराते हैं ये वो जाने वो क्यों कराते हैं, मुझे वो लेना लेना नहीं। और मेरे कहने से भी आप मत चलो, मैं तो ये कह रहा हूँ किसी जैन शास्त्र में नवरात्रि ढूंढ के बताओ ना कि यहाँ लिखा हुआ है कि नवरात्रि के दिनों में विशेष आयोजन करो, नवरात्रि जैनियों का पर्व है, दिखाओ तो सही। किसी की मत सुनो, हम सीधी बात जानते हैं, मैं कहता हूं मेरी नहीं, आप आगम की तो सुनो। आगम में एक शब्द भी नहीं है, इसलिए नवरात्रि में जो भी आयोजन जहां जहां भी हो रहे हैं कोई आगम सम्मत नहीं है। मेरी राय में इनमें इनसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए, ये आगम की बात है, मेरी तुम्हारी बात नहीं। आजकल एक विशेष विधान की चर्चा सुनने में आती है, काल सर्प योग विधान, ये क्या किस किस प्रकार का विधान है और ये मुनि महाराज क्यों करा रहे हैं? समझे, काल सर्प योग है क्या, जब सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं तब तो उसे कहते हैं काल सर्प योग। हमारे श्रोताओं में बहुत से वृद्ध लोग भी होंगे, मैं उनसे पूछता हूँ 10 साल पहले क्या उन्होंने काल सर्प योग सुना था क्या? किसी ने नहीं सुना। काल सर्प योग क्या होता है? कुछ नहीं होता। अभी मैं आज की बात बता रहा हूँ, आज ही जयपुर के सबसे बड़े जो ज्योतिषाचार्य हैं उनसे मेरी चर्चा हुई, जैन हैं, मेरी उनसे चर्चा हुई, उन्होंने कहा आजकल जो काल सर्प योग हो रहा है सिर्फ आमदनी कराने का कार्य है, कुछ लेना देना नहीं। काल सर्प योग की भयंकरता इसलिए वो लोग दिखाने लगे हैं ताकि लोग डर जाएं और डर जाके विधान करें। मैंने उनसे पूछा काल सर्प योग के विधान में कितना खर्चा आता है, उन्होंने बताया ये तो सामने वाले को देख के चर्चा होती है, 1,000 से लेके 11 लाख और 21 लाख रुपए तक काल सर्प योग विधान में खर्च होते हैं। सोने के और चांदी के और मणि जटित सर्प भेंट में लेते हैं वे विद्वान। हम लोगों को बुरी तरह लूटा जा रहा है, किसी चक्कर में मत फंसिए, काल सर्प योग कुछ नहीं होता, बिल्कुल मत डरिए। आपको कभी भी डर लगे बस अहोकार मंत्र का स्मरण करिए, काल सर्प योग का भय दिला के आप लोगों को डराया जा रहा है और डरा डरा के पैसे वसूले जा रहे हैं, इकट्ठे किए जा रहे हैं। काल सर्प योग कुछ नहीं होता, आगम में रंच मात्र भी इसका वर्णन नहीं है, ये तो ज्योतिषियों की चाल है। आजकल बहुत से लोग ग्रहों के चक्कर में फंसे हुए हैं, वो ये समझते हैं कि ग्रह हमारा बहुत बेकार करते हैं, तो इनसे कितना भय करना उचित है और क्या है ये परिस्थिति? सबसे पहली बात, ग्रहों की मान्यता जैन मान्यता है ही नहीं। नवग्रह में सूर्य भी है और चंद्रमा भी है, क्या सूर्य और चंद्रमा ये ग्रह है क्या? ये ग्रह नहीं है। सूत्र देखो, तत्वा सूत्र में लिखा है सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। जो देव 5 प्रकार के हैं, सूर्य चंद्रमा ग्रह अलग, नक्षत्र अलग और तारे अलग। सूर्य और चंद्रमाओं को ग्रहों में ले कैसे दिया? ये जैन मान्यता ही नहीं है, ये ग्रह है ही नहीं। दूसरी बात, ये नवग्रह जो चलते हैं ना, ये नवग्रह ये आकाश में अपने हिसाब से अनादिकाल से गमन कर रहे हैं। क्या ये हमारा अनिष्ट करते हैं? कुछ भी अनिष्ट नहीं करते। तो क्या है ये मामला? नहीं, इनके गमन से ज्योतिषी लोग आपके भविष्य की बातें बताने की कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं और भविष्य की बातें बताते हैं, तुम्हारा ये अनिष्ट हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा।
लेकिन वो अगर इन ग्रहों को हम पूजे, इनके माध्यम से हमें भविष्य का कुछ गणित मालूम पड़ा, लेकिन इनके पूजने से क्या कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। तो क्या इनका कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता जिस तरह बता? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता ग्रहों का, हम पे कोई प्रभाव नहीं। इन ग्रहों के द्वारा हमें अपने भविष्य काल की जानकारी मात्र होती है, और कुछ नहीं होती। क्या ये ग्रह हमारा अच्छा बुरा करते हैं? कुछ भी नहीं करते। इन ग्रहों से हमारा कोई लेना देना नहीं। ये तो अनादि काल से अपने घूम रहे हैं, घूमते रहेंगे। ये ना हमारा अच्छा करते हैं, ना हमारा बुरा करते हैं। हम लोग फालतू दुखी हो रहे हैं। हमारे जैन मत में इनके ग्रहों के चक्कर के लिए कोई व्यवस्था नहीं, इसलिए बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। आचार्य विद्यासागर जी के पास एक बार एक सज्जन आए, मैं बैठा हुआ था। उन्होंने कहा, आचार्य जी, मैं ग्रहों से बड़ा पीड़ित हूँ, ये नवग्रह के मारे में बड़ा दुखी हूँ। आचार्य जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा, भैया ग्रह कितने होते हैं? कि 9। उन्होंने कहा, नहीं, ग्रह होते हैं 10, 9 तुम्हारे, 1 हमारा परिग्रह, 10 ग्रह होते हैं। तो वो तुम ऐसा करो, एक परिग्रह को छोड़ दो तो ये ग्रह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और हम जो परिग्रहवान लोग हैं ना, वो तो डरते हैं। काल सर्पयोग, डरने लगे, ग्रह है, डरने लगे। हम हर काम में डरते क्यों हैं? हमारे परिग्रह, हमारे परिवार को कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। सम्यक दृष्टि जानता है, जब तक लावांतराय का उदय नहीं, रुपया जाने वाला नहीं, जब तक किसी की आयु समाप्त नहीं, कोई मरने वाला नहीं, इसलिए वो रंच मात्र भी नहीं डरता। वो ग्रहों के चक्कर में कभी भी नहीं पड़ता। इसलिए इन ग्रहों के चक्कर में कभी मत पड़िए, नवग्रह विधान कभी मत करिए। अरे नवग्रह विधान में क्या है? भगवान की तो पूजा है। नहीं, आपका आशय तो गलत है। आपका आशय क्या है? हम भगवान की पूजा क्यों कर रहे हैं? हम भगवान की पूजा कर रहे हैं ताकि नवग्रह से होने वाला जो अनिष्ट है वो शांत हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल नवग्रह से डरने की कोई बात नहीं। जैन शास्त्रों में मैं कहता हूँ, सारा प्रथम नियोग पढ़ डालो, कहीं तो लिखा हुआ दिखाओ कि नवग्रह की शांति के लिए उस राजा ने फलाना विधान किया। एक प्रकरण आपको नहीं मिलेगा। पंचम काल में मिथ्यात्व का बड़ा बोलबाला है। तमाम नवालू कौन कौन सी नई 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 बातें हमें जबरन मिथ्यात्व की ओर खींच के ले जाने वाली लोगों ने बना दी है। इनसे बचना चाहिए, डरना चाहिए, दूर रहना चाहिए। आजकल तो बहुत से साधु भी नवग्रह अरिष्ट मंडल विधान करा रहे हैं, और पूजा की किताबों में भी इस विधान की पूजन आदि मिलते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है, जब ये ऐसा होना उचित ही नहीं है? कुछ नहीं, ये भोले भाले अज्ञानी जीवों से फायदा उठाने का एक तरीका है, और कुछ नहीं। सब बिल्कुल गड़बड़ है। मैंने एक बार पूजन की किताब उठाई और मैंने पूजन के जो प्रकाशक महोदय थे उनको फोन लगा के मैंने कहा, आपने अपने पूजन की किताब में नवग्रह अरिष्ट निवारक विधान क्यों बना दिया? ये क्यों आपने ये पूजा लिख दी नवग्रह अरिष्ट दूर करने के लिए? उन्होंने कहा, साहब है तो गलत, स्वीकार किया उन्होंने, है तो गलत, लेकिन आजकल लोग बाग शनि का निवारण करने के लिए शनिश्चर देव की पूजा करने जाते हैं। कम से कम ये वहां न जाएं, इसलिए हमने ये पूजा बना दी है। लेकिन हम भी जानते हैं, वो खुद कह रहे थे, मैं जानता हूँ ये नवग्रह कुछ भी नहीं करते, लेकिन उनको रोकने के लिए मैंने ये पूजा लिख दी है। देखिए कितना आशय गड़बड़ है। अरे स्पष्ट क्यों नहीं लिखते कि नवग्रह हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं करते? लेकिन ऐसा नहीं लिखते। लेकिन उन्होंने पूजा ली और छाप दी, और हम अज्ञानी भोले वाले पूजा को करने लगे। हमको समझते तो है नहीं, उनको करने लगते। आजकल हमने देखा बहुत से विधानों के अंदर देवी देवताओं के खूब अर्घ लोगों ने घुसा दिए, और वो देवी देवताओं के अर्घ को सब हम लोग अज्ञानी लोग सब चढ़ाने लगे। क्या हम जैन मत को क्यों नष्ट करने जा रहे हैं? सोचे तो से नवग्रह अरिष्ट निवारक ये पूजा विधान बिल्कुल आगम के अनुसार नहीं है। ध्यान रखिए, इनसे बचना चाहिए, बिल्कुल मत डरिए। वर्तमान में तो नवग्रह अरिष्ट मंडल विधान निवारक विधान तो छोड़िए, मंदिर भी बनाए जा रहे हैं, नवग्रह अरिष्ट मंडल निवारक मंदिर, तो उसमें तो भगवान की ही प्रतिमा विराजमान करी जा रही है, तो उसमें फिर क्या आपत्ति है?
सुनिए, आप वहां दर्शन करने गए, क्यों गए? इसलिए कि नवग्रह से होने वाला अनिष्ट ना हो। आप तो वैसे ही मिथ्याक्ति बन गए, वहां क्या पूजा करेंगे आप? ऊपर मंदिर में लिखा हुआ है नवग्रह अरिष्ट निवारक मंदिर। नवग्रह अरिष्ट कुछ होता ही नहीं, जब अनिष्ट होता नहीं तो उसको निवारण मंदिर क्यों लिखा? ऊपर लिखो ना चंगापुर भगवान का मंदिर। आप खुद लोगों को भ्रमाने में लगे हुए। मैं तो कहता हूँ जिन ट्रस्टियों ने ऐसे लेबल लगाए हैं उन्हें अपना लेबल बदलना चाहिए। भैया क्यों भरमा रहे हो हम लोगों को इस तरह? लिखो ना चंगापुर भगवान का मंदिर, वो नहीं लिखेंगे। मैंने एक सज्जन से कहा था आपने ये टाइटल क्यों लगाया? उन्होंने कहा अगर हम चंद्रप्र भगवान का मंदिर, मंसूरनाथ भगवान का मंदिर लिखते हैं ना तो लोग दर्शन करने नहीं आते। हम लिखते हैं नवग्रह अरिष्ट निवारक मंदिर तो लोग दौड़े दौड़े चले आते। भोले भाले लोगों का क्या नाजायज फायदा उठाने के तरीके लोगों ने ढूंढ लिए हैं। जब सोचते हैं विचार करते हैं बहुत कष्ट होता है। देखो तो सही हो क्या रहा है? ये सब मिथ्यात्व तो है, सब गलत धारणाएं हैं। आप शांतिनाथ भगवान की पूजा, चंद्रपुर भगवान की पूजा करो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन नवग्रह अरिष्ट निवारण के लिए अगर की जाए ना तो गलत है, बिल्कुल गलत है। अभी इधर 5 सालों में कुछ ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जिससे देखा जा रहा है कि स्पेशली शनिवार के दिन, सैटरडे के दिन मिसुलनाथ भगवान के मंदिर में बहुत भीड़ रहती है, अतः लोग पहुंचते हैं दर्शन के लिए। इसके क्या कारण है? इसका कारण है अपनी गलत धारणा। हम भी देखते हैं, हम सांगानेर में पूजा करने जाते हैं तो हम देखते हैं भगवान मुंशीवरनाथ की मूर्ति के आगे शनिवार के दिन 50 दीपक जलते हैं और बाकी और 6-7 दिन नहीं जलते, हफ्ते में एक ही दिन जलते हैं। हमने पूछा भैया ऐसा क्यों? कि ये मुंशीवरनाथ भगवान शनि ग्रह के दोष को निवारण करने वाले हैं, इस कारण। हमने उनसे पूछा, लोगों से, क्या मुंशीवरनाथ भगवान में ऐसी कोई विशेष शक्ति है जो शनि ग्रह का निवारण कर सकते हैं? क्या महावीर भगवान में उस शक्ति की कमी मानी जाए जो इस ग्रह के दोषों को, हालांकि दोष ही नहीं होते पर इस ग्रह के दोष को मुंशीवरनाथ भगवान दूर करेंगे और मल्लिनाथ स्वामी नहीं करेंगे? तो मल्लिनाथ भगवान फिर हीन हो गए क्या? क्या सोम के कष्ट को चंद्रप्रभु स्वामी दूर करेंगे और भगवान नहीं करेंगे? तो क्या और भगवानों में कुछ कमी है क्या? सब गलत धारणाएं। हम लोगों में कितना मिथ्यात्व घुस गया है सोचो। कुछ नहीं, सारे भगवान समान शक्ति वाले हैं। कोई भगवान किसी ग्रह के कष्ट को दूर नहीं करता। हम उन भगवान की पूजा आराधना करके स्वयं अपने असाता वेदनी कर्म को नष्ट करके उसे साता वेदनी बना लेते हैं। देखो ना मानतुल स्वामी को जेल में बंद कर दिया, भगवान आदिनाथ की पूजा की और बाहर आ गए। ऐसे ही होता है, भगवान की पूजा करने से संकट दूर होते हैं, सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, परंपरा से मोक्ष भी मिलता है। लेकिन ये कैसे सोच लिया आपने कि शनि का प्रकोप दूर करने की शक्ति मात्र मुंशीवरनाथ में है, अन्य में नहीं? बिल्कुल गलत धारणा, छोड़ दो इन धारणाओं को। हम तो हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं भैया जैन कुल में पैदा हुए हो तो इन धारणाओं को कहां से आपने ले लिया? सारे भगवान एक समान हैं, किसी भगवान में कोई कमी नहीं, कोई अच्छाई नहीं, कोई बुराई नहीं। इस बार के दिन इसकी पूजा, इस बार के दिन इसकी पूजा, ये सब मिथ्यात्व में गर्भित है। इसलिए सबको भूल जाएं, चाहे जिस दिन किसी भी भगवान की पूजा करें सब समान है। हम तो वीतराग देव की पूजा करने वाले हैं, सीधी बात। इसलिए ये धारणाएं सारी गलत हैं, इनको हटा दीजिए। दक्षिण भारत में आजकल शनि अमावस्या का बहुत महत्व माना जाता है, तो ये कहाँ तक उचित है? मैं इस बार महाराष्ट्र के कुछ मंदिरों के दर्शन करने गया तो मैंने विभिन्न स्थानों पर बड़े बड़े बोर्ड लगे देखे कि अगली शनि अमावस्या इस तारीख को पड़ेगी, उसे यहाँ विशेष उत्सव मनाया जाएगा। मैंने उनसे पूछा ये क्या है भैया? बोले साहब अगर शनि हो और अमावस्या पड़ जाए तो वह महान पर्व होता है। सोचो
मैं गारंटी करता हूँ किसी जैन शास्त्र में ऐसा लिखा क्या कि अमावस्या अगर शनिवार को पड़ जाए तो महान पर्व होता है। हमारे पर्व ना शनि है ना अमावस्या है, अन्य मत वालों के पर्व है उनको रहने दो। अन्य मत वालों के पर्वों को जैन धर्म में क्यों प्रवेश करा रहे हैं हम लोग, सोचे तो सही। हमारे यहाँ शनिवार या अमावस्या या इन दोनों के संघ का कोई लेना देना नहीं। कोई तो प्रमाण बताओ कि इस शास्त्र में इस पुराण में लिखा है उस राजा ने अमावस्या और शनिवार एक दिन में एक दिन पढ़ने के कारण उसे विशेष पूजा की, विशेष विधान किया, कहीं तो लिखा दिखाओ। ये सब गलत धारणाएं हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। कितनी कितनी तरीके आगे देखो, नवरात्रि घुस बैठा, नवग्रह घुस बैठा, काल सर्प योग घुस बैठा, ये शनि अमावस्या ने और प्रवेश कर दिया। और ये गलत जितनी ये गलत गलत बातें हैं ना, ये हम लोगों में जल्दी घुस जाती है। किसी ने कहा संकट दूर करना है ना तो ये करो, बस हमने मानना शुरू कर दिया। लेकिन इस धारणा को निकालना बहुत मुश्किल का काम है। एक बार धारणा प्रवेश कर जाए तो बड़ी मुश्किल से निकलती है। लेकिन मेरा तो बार बार आपसे यही कहना है, मेरा तो बार बार यही कहना है, इन सब गलत धारणाओं से बिल्कुल बचो, बिल्कुल निकलो। शनि अमावस्या का जैन धर्म से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं। अगर कोई आपको कहे भी आगम दिखाओ, आगम सच्चा आगम दिखाओ, फालतू आगम मत दिखाओ। अपने हाथ से कुछ भी लिख लिया और बता दिया, इससे कुछ नहीं होता। किसी भी शास्त्र में शनि अमावस्या का कोई महत्व नहीं है, इसलिए हमें इनसे बचना चाहिए। अभी रिसेंट टाइम्स का एक और बहुत पॉपुलर जो सेंटेंस है या टर्म कह लीजिए, शनि के सारे साथी, ये बहुत सुनने में आता है आजकल, ये क्या है? जैसे और सब चीजें बेकार हैं, बोगस हैं, पाखंड हैं, अंधविश्वास है, गलत फहमिया है, शनि की साढ़े साथी भी गलत फहमी है, कुछ लेना देना नहीं। मैं एक उदाहरण सुनाना चाहूंगा, ध्यान से आप सब लोग सुने, इन चक्रों में नहीं फंसे। मेरे एक रिश्तेदार, उनकी लड़की की शादी नहीं हो रही थी। उन्होंने कई ज्योतिषियों से पूछा, उन्होंने कहा भैया काल सर्प योग है, तुम्हारी लड़की की शादी नहीं होगी। अभी काल सर्प योग 2 साल तक और है, लड़की उनकी 25-25 की हो गई थी। बड़े घबराए बेचारे, एक बड़े पंडित जी के पास पहुंचे, उनका नाम बहुत सुनते थे, उनसे जाके उन्होंने कहा जरा देखे महाराज मेरी बेटी के क्या काल सर्प योग है। उन्होंने देख पाल के बताया बिल्कुल काल सर्प योग है, 2 वर्ष तक इसकी शादी नहीं हो पाएगी। उन्होंने पूछा क्या करना चाहिए, देखो मैं इसका विधान करवा दूंगा, काल सर्प योग दूर हो जाएगा, तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी। कितना खर्च पड़ेगा? उन्होंने बताया लगभग 75,000 से 80,000 रुपए खर्च पड़ेंगे। उन्होंने कहा अच्छा हम आपको कल बताते हैं। उन्होंने घर अपने बड़े भाई को फोन किया कि यहाँ दिल्ली के इन बड़े विद्वान के पास में आया हूँ और इन्होंने मुझे इतना खर्चा बताया है, क्या करना है। उन्होंने कहा अभी कुछ मत बोलना, हम कल बताएंगे। कारण क्या था? उस लड़की को देखने वाले उस दिन आए हुए थे और उन्होंने लड़की की देखावाली उस दिन कर ली थी, तो उन्होंने कहा हम कल बताएंगे, अभी चुप रहना। ठीक, जो लड़के वाले लड़की को देखने आए थे उन्होंने अगले दिन सुबह आए और लड़की का संबंध पक्का कर दिया। अगले दिन लड़की के पिता ने दिल्ली से फिर पूछा क्यों भैया क्या करूं मैं उसका, बताओ तो सही। उन्होंने कहा चुपचाप वापिस आ जाओ, काल सर्प योग हट गया, उसका संबंध पक्का हो गया, 1 महीने बाद शादी है, का चक्कर में पड़ोगे। 1 महीने बाद शाम से उसकी शादी हो गई। मैं नाम पता सब दे सकता हूँ उस व्यक्ति का, आप चाहे तो उनसे पूछें, लेकिन मैं पूछता हूँ फिर भी जिनके दिमाग में काल सर्प योग घुस गया ना, नहीं निकलेगा, बहुत मुश्किल की बात है। हमारे दिमाग में गलत बातें झट प्रवेश कर जाती हैं, अच्छी बात कोई समझाए तो भी कुछ समझ में नहीं आता। ये सारी चर्चा जो हुई इससे हमारे दर्शकों को क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए? दर्शकों को अज्ञानी बने रहना है या समझदार विवेकी बनना है?
अगर विवेकी बनना है तो कान खोल के सुन ले, अगर दिक्कत हो आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास आ जाए और स्पष्ट डिस्कस कर ले। मैं जो कह रहा हूं वही वर्तमान के सबसे बड़े आचार्य हैं, आए और उनसे बात करें। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, देखो नवरात्रि कुछ नहीं, जैन धर्म का नवरात्रि से कोई लेना देना नहीं, नवग्रह के प्रकोप से डरने का कोई काम नहीं, ये ग्रह हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं करते, बिल्कुल निश्चिंत रहें। सारे पाप कर्मों का प्रक्षालन करना है, आपके पास अमोघ अस्त्र है रमोकार मंत्र, उसका स्मरण करें। काल सर्प योग कुछ नहीं होता, बिल्कुल ये लोगों ने धंधा करने वाले पंडितों का जाल है, इससे बिल्कुल दूर रहें। शनि की साढ़े साथी बिल्कुल हटा दें दिमाग से, शनि अमावस्या बिल्कुल दूर कर दें, इन सब गलत चीजों से बचना हमारा कर्तव्य है। देखो हम तो इतना कर सकते हैं कि शास्त्रों के अनुसार आपको बताएं, आपको समझाएं, लेकिन फिर भी अगर आपको मिथ्या दर्शन पसंद है, पहले गुण स्थान में रहना चाहते हैं, मिथ्या दृष्टि बने रहना चाहते हैं, मिथ्यात्व से आपको दिली जिगरी स्नेह है, करें इनका पालन, हम थोड़ी मना करते हैं, आप करेंगे वो आप भरेंगे। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं, हमने इस पहले गुण स्थान के अंतर्गत इन चर्चाओं को क्यों लिया है, ताकि अनादिकाल से जो हमारा गुण स्थान पहला बना हुआ है मिथ्यात्व, ये गुण स्थान हमारा टूटे। अगर इन परंपराओं को हमने नहीं छोड़ा और हम इन परंपराओं का अनुसरण करने लगे और अपने मिथ्यात्व को और पुष्ट करने लगे, तो मिथ्यात्व से जन्म जन्म में कभी भी शनि छूटेगा। इन सबको छोड़ दीजिए, किसका आश्रय लेना, सच्चे देव शास्त्रु का आश्रय लेना, मेरे तो नव देवता आराध्य हैं, पांच परमेष्ठी, जिन वाणी, जिन धर्म, जिन मंदिर और जिन मूर्ति, इसके अलावा कोई आराध्य नहीं। हम उन अरहंत देव की पूजा करते हैं जिनकी शरण में 100 इंद्र निरंतर हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, उनकी पूजा करने वाले हम लोग, और हम किन की पूजा में, किन चक्करों में फंस गए। किसी की बात मत सुनिए, आप तो आगम की चर्चा करिए, आगम में एक शब्द भी नहीं लिखा इन चक्करों में, अतः इन सब बातों को छोड़ें, मिथ्या धारणाओं को हटाएं, अपनी धारणाओं को सही बनाएं, ऐसा हमारा निवेदन है, हमारी प्रार्थना है, हमारी शिक्षा है, हमारा कहना है। हमें आशा है आप मानेंगे और गलत धारणाओं को छोड़ेंगे। आइए, जय जय।